तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। तो ये दोनों ही जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक के 52 वीक लो की, इसका जो 52 वीक लो है वो है 13.75, और वही अगर बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 27.6, और अभी जो कंपनी का जो शेयर है अभी लगभग 24 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 13.5, और वही अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 34.1, और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 29 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्क। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक के रेवेन्यू की, जिसका जो रेवेन्यू है वो 2022 में था 7620 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 8045 करोड़। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के रेवेन्यू की, जिसका जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1086 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1146 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो साउथ इंडियन बैंक का जो 2022 का प्रॉफिट है वो है 45 करोड़, और 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 775 करोड़। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के प्रॉफिट की, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 36 करोड़, और 2023 में इसका जो प्रॉफिट रहा है वो है 49 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो साउथ इंडियन बैंक का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 5854 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 6675 करोड़। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के नेटवर्थ की, तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 900 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 961 करोड़। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में अगर सबसे पहले हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो साउथ इंडियन बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5154 करोड़। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 736 करोड़। यानी कि साउथ इंडियन बैंक जो है ये एक मिड कैप कंपनी है, वही धनलक्ष्मी बैंक जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो साउथ इंडियन बैंक का जो पी रेशियो है वो है 5.63, और वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के पी रेशियो की तो वो है 7.07। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पी रेशियो है वो अच्छी खासी है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री पी को देखें, तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 11.9, और इन दोनों कंपनीज का ही जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो वो है 14.9%। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की तो वो है 31.7%। यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के जो ईपीएस ग्रोथ के मामले में जो है धनलक्ष्मी बैंक बेहतर है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन बैंक। वही अगर उसके साथ साथ अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की, तो साउथ इंडियन बैंक का जो लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ रहा है वो है -2.33%। वही अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की तो वो है 2.75%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ के मामले में भी जो है धनलक्ष्मी बैंक थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन बैंक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पेग रेशियो की। तो साउथ इंडियन बैंक का जो पेग रेशियो है वो है 0.31, और अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की तो वो है 0.22। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो अपने अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले उस कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है। इसके बाद हम बात करते हैं पी बी रेशियो की। तो इन दोनों कंपनीज का जो पी बी रेशियो है वो है 0.77, जो कि 2 से कम है। और अगर किसी कंपनी का जो पी बी रेशियो वो 2 से कम है, तो उस पी बी रेशियो को एक अच्छी खासी पी बी रेशियो माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों कंपनीज का जो पी बी रेशियो वो अच्छी खासी है।
फिर हम बात करते हैं आरओई की, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो साउथ इंडियन बैंक का जो आरओई है वो है 12.4% और धनलक्ष्मी बैंक का जो आरओई है वो है 5.22%। यानी कि आरओई के मामले में जो है साउथ इंडियन बैंक बेहतर है एज कम्पेयर टू धनलक्ष्मी बैंक। फिर अगर हम बात करें आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो साउथ इंडियन बैंक का जो आरओसी है वो है 5.23% और धनलक्ष्मी बैंक का जो है आरओसी है वो है 4.56%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है साउथ इंडियन बैंक थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू धनलक्ष्मी बैंक। पर आरओई और आरओसी अगर 20% से ज़्यादा हो तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो डी रेशियो वो है 14.4 और साउथ इंडियन बैंक का जो डी रेशियो वो है 14.8। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो डी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डी रेशियो के साथ साथ हमें उस कंपनी के करेंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो करेंट रेशियो है वो है 4.48 और साउथ इंडियन बैंक का जो करेंट रेशियो है वो है 5.19। यानी कि इन दोनों कंपनीज का करंट रेशियो तो अच्छी खासी है। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 2 से ज़्यादा है तो उस कंपनी का जो करंट रेशियो वो उसे एक अच्छी खासी या फिर एक बेहतर करंट रेशियो माना जाता है। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर 1 से कम है तो उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज ज़्यादा होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर हम इन दोनों कंपनीज के करंट रेशियो को देखें तो इन दोनों कंपनीज का जो करंट रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 31.7% और साउथ इंडियन बैंक का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है वो है 14.9%। यानी कि सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है धनलक्ष्मी बैंक बेहतर है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो धनलक्ष्मी बैंक का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है वो है 2.75% और साउथ इंडियन बैंक का जो है वो है -2.33%। यानी कि धनलक्ष्मी बैंक जो है लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन बैंक। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 3,784% और अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो वो है 63.1%। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की। धनलक्ष्मी बैंक का जो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स है वो है 0% और साउथ इंडियन बैंक का भी जो है प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स है वो है 0%, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0% और साउथ इंडियन बैंक का जो है डिविडेंड यील्ड वो है 1.22%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है साउथ इंडियन बैंक बेहतर है एज कम्पेयर टू धनलक्ष्मी बैंक। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। धनलक्ष्मी बैंक का जो बुक वैल्यू है वो है 38 और साउथ इंडियन बैंक का जो है वो है 31.9। और एकदम लास्ट में अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के फेस वैल्यू की, तो धनलक्ष्मी बैंक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 और अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।